महुआ मैम से मिलने के बाद तो हमको लगा कि मतलब जो है कि धरती पर का दूसरा भगवान वही है। 1.5 साल का अनमोल कुमार को हम लोगों के पास लेके आया था विथ कंप्लेन ऑफ साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मतलब नीना पड़ने वाला बीमारी। वो जन्म से ही था वो बीमारी, लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजन दे कुडंट कम अर्लियर। तो जब भी आया हुआ था हम लोग इको करके कंफर्म किए थे कि ही सफरिंग विथ टेट्रालॉजी ऑफ फेलो, मतलब इसमें क्या होता है, हार्ट के नीचे की चेंबर के अंदर बड़ा सा होल होता है और लंग में जाने वाले जो नस होता है वो सिकुड़ के रह जाता है। इसीलिए इस टाइप का बच्चा का ऑक्सीजन कम रहता है शरीर में और वो नीला पड़ता है। इस टाइप का टेट्रालॉजी ऑफ फेलो यानी कि टॉप बीमारी में ऑपरेशन ज़रूरी होता है विद इन 1 ईयर। कभी कभी छोटे बच्चे में भी अगर बहुत ब्लू है, सैचुरेशन बहुत कम है, तो अर्ली ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है। लेकिन वो आते आते 1.5 साल हो गया था। तो हम लोग जब ही आए हुए थे तब लॉकडाउन का समय भी था, फिर भी हम लोग उसको जल्दी से इको करके ये डायग्नोसिस करके डॉक्टर मिलालिंदु दास जो सर्जन है उनके पास जल्दी से भेज दिए थे। सर भी जल्दी जल्दी उसका करेक्टिव सर्जरी कर दिए थे और अभी वो फॉलोअप में आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा खुश है कि फिर भी 2 साल के अंदर ही वो एकदम ठीक हो गया है, जो शायद हम लोगों को 1 साल के अंदर करना चाहिए था, फिर भी हम लोग कर पाए हैं। हाँ नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मृणालिंदु दास है, मैं आरएनटी गौर हॉस्पिटल कैलकटे में काम करता हूँ। आपको एक छोटा सा मैसेज देना है। कुछ दिन पहले एक बेबी अनमोल कुमार हमारे पास आए थे जिसका सिम्टम्स था, बेबी ब्लू कलर के हो जाते थे, उनकी लिप्स और फिंगर नेल्स सब ब्लू थे और सांस का तकलीफ होता था। तो ये बेबी हमारे हॉस्पिटल में आए थे तो डॉक्टर महुआ मैडम ने देखे, उनके डायग्नोसिस करके टेट्रोलॉजी फैलो करके एक डायग्नोसिस करके हमारे पास भेजे थे। ये कॉन्जेनिटल कॉम्प्लेक्स एनोमली है जिसमें जन्म के टाइम पे हार्ट के अंदर में डिफेक्ट होता है, इसमें एक छेद था और उसके अंदर में फेफड़े में जाने का रास्ता में ब्लॉक था और दो डिफेक्ट अंदर में था। इसमें से क्या होता है कि फेफड़े में कम खून जाता है जिसके जरिए बच्चा नीलापन हो जाता है। तो बच्चा खाना ठीक से नहीं खाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, चलना भी नहीं सकते हैं ठीक ठाक से। तो ये जो बीमारी है ये हमारे पास आने के बाद इसका एक ऑपरेशन है, ओपन हार्ट सर्जरी करके ये बीमारी को हम लोग कम्प्लीटली करेक्ट किया है। अभी बच्चा बहुत अच्छा है और सब कुछ नॉर्मल जैसे हो रहा है। तो ये बीमारी कम्प्लीटली करेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसी कोई बच्चे आपके जान पहचान में होगा जिसका नीलापन का बीमारी है, जो बीच बीच में बेहोश हो जाते हैं, जिसको बोलता है साइनोटिक एपिसोड्स, जिस तरह बोलता है साइनोटिक स्पेल्स, ऐसा हो जाता है, तो बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। ये बड़ा हॉस्पिटल में जहाँ हार्ट सर्जरी होता है उसी जगह में ये इसका सर्जरी होता है। ये सर्जरी करने से बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है हार्ट की, तो इसको ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। तो ज़्यादातर ये सब पेशेंट जब आप देख पाएंगे व आपके पास होगा व आपका कोई रिश्तेदार का ऐसे बच्चा होगा तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए और इसको हम लोग कंप्लीट करेक्शन करके बच्चा को नॉर्मल कर सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम रोशन है, हमारा बच्चा का नाम अनमोल कुमार है। वो जन्म से ही उनका सांस लेने में उनको तकलीफ थे, तो इस बीमारी के लिए हम मुंगेर में भी दिखाएं, पटना में भी दिखाएं, मगर कहीं तो इलाज हो नहीं सके उनका। फिर हमको पता चला कि कलकत्ता में यहाँ पे अच्छा इलाज होते हैं, तो हम यहाँ आए। तो यहाँ आने के बाद फिर महुआ मैम से मिल के उनसे बताएं सारा बात, तो वो हमको जो है ट्रीटमेंट किया भी। हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छा है और आगे सोचते हैं कि बच्चा हमारा अच्छा ही रहे। इतना अच्छा से हमको मतलब शुरू से अभी तक जो बताएं, इलाज किए, कहीं पे कोई तरह का दिक्कत नहीं होने दी। और यहाँ से अपने घर चले गए तो वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैम को हम फोन कर करके उनसे बात करके यानी बच्चा को अभी तक अच्छा रखें। और सबसे अच्छा सब चीज़ तो हमको ये लगे सर कि पटना भी दिखाएं, मुंगेर भी दिखाएं, मगर इतना अच्छा से यहाँ पे जो नर्स लोग हैं, डॉक्टर साहब लोग हैं, वो इतने अच्छे से मतलब इलाज किए कि 7 दिन हमारा बच्चा यहाँ पे हॉस्पिटल में रहे, मगर हमको थोड़ा सा भी गम नहीं हुआ कि हमारा बच्चा अकेले है, कैसे होगा नहीं होगा। हम सिर्फ 4 से 5 हमको घंटा का समय मिलता था तो हम आते थे यहाँ देखने के लिए, तो देख के बहुत संतुष्टि मिलता था कि नहीं, इतने
अच्छा हिफाजत में है तो हमारा बच्चा अच्छा ही होगा, और उसका परिणाम भी सारा अच्छा ही निकला कि हमारा बच्चा खुशी खुशहाल घर घर गया है।